जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अपदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती।